मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हिंसा के लिए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिसंबर से यह लोग सड़क घेरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा में बहुसंख्यकों की संपत्ति और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि अल्पसंख्यकों की घर दुकान हिंसा में सुरक्षित रहे। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में बयान देते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जजों को भी घेर लिया। उन्होंने कुछ जजों पर बगैर नाम लिए नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि शाहीन बाग को हटाने के लिए कोर्ट ने भी कड़े कदम नहीं उठाए। लेखी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधर और ट्रांसफर को नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि उसे किसी अन्य संदर्भ में लेना गलत है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ जजों का मानना है कि जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी। अब धरना कब हिंसात्मक होगा यह बैठकर कौन तय करेगा? उन्होंने कहा कि बगैर सिफारिश के किसी भी जज का ट्रांसफर नहीं किया जाता और उनका तो ट्रांसफर पहले ही हो चुका था। लेखी ने विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि सबको समझ आ जाए कि किसी का ट्रांसफर क्यों हुआ है। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हिंसा के लिए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिसंबर से यह लोग सड़क घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा में अल्पसंख्यकों की संपत्ति और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि अल्पसंख्यकों के घर दुकान हिंसा में सुरक्षित रहे। लेकिन ही नहीं, बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी दिल्ली हिंसा का ठीकरा न्यायपालिका के मथे जड़ दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते तनाव के लिए कोर्ट जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बाद में हिंसा हुई। जायसवाल ने कहा कि दिल्ली हिंसा के लिए देश की न्यायपालिका भी दोषी है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि होने के बावजूद रेल या सड़क जाम करते हैं तो हमें भी कोर्ट से सजा मिलती है। लेकिन कोर्ट की ओर से दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब रेल और सड़क जाम करना नहीं है। मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया और कपिल मिश्रा कह रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, क्या ये कोई मैच हो रहा था? अगर गृह मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाओ करंट शाहीन बाग तक जाए, अगर गृह मंत्री ने बोलना ही था तो ये कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ करंट आम आदमी पार्टी को लगे, करंट कांग्रेस को लगे, ये शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ? तो ये इन्होंने कानून बनाया है और अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आप वहां शाहीन बाग क्यों नहीं गए? भाई कानून तो आपने बनाया है, विरोध आपके कानून का हो रहा है, तो हमारा क्या उसमें लेना देना? पुलिस तो हमारे पास भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही रंग के पत्थर, लाल रंग के पत्थर, एक ही रंग के पत्थर हैं पूरे इलाके में, एक ही रंग की गुलेल हैं। बाहर से गुंडे लाए गए, उनको एक स्कूल में ठहराया गया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया और वो रात को आते थे काम करके अपना फिर सुबह चले जाते थे। ये स्पॉन्सर दंगे हैं क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं। इनके पास तजर्बा है गुजरात का, इनके पास तजर्बा है मुजफ्फराबाद का, इसके इनके पास तजर्बा है, ये दंगे करवाते हैं। वो एक 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 मैं और बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम, मुझे कोई परवाह नहीं, बोलते रहो तुम। हाँ, देखो अभी तक गृह मंत्री वहां नहीं गए, अभी तक गृह मंत्री वहां नहीं गए। योगी जी मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी यहाँ पे आके कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अध्यक्ष महोदय मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई आतंकवादी स्कूल बनाता है? क्या कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है? आधा मिनट सर। और क्या कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान की शहादत पर और जब किसी दिल्ली के पुलिस वाले की ड्यूटी दौरान शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके जाता है? तो दिल्ली वालों ने बता दिया इलेक्शन में कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है। और मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ सर, 10 लाख रुपये दिल्ली गवर्नमेंट उनको दे रही है जिनके मौत हो गई, और 5 लाख रुपए पर फ्लोर जिनके घर जल गए। अगर 4 फ्लोर का घर है तो 20 लाख मिलेगा, किराएदार को भी 1 लाख रुपए उसके सामान का मिलेगा, 2.5 लाख रुपया जो पार्शली घर जले उनका मिलेगा। आज दोपहर तक महोदय 6 करोड़ रुपया हम मुआवजे के रूप में बांट चुके हैं। मैं यही कहूंगा आखिर में कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, I am thankful to you, sir, for allowing me to speak. Would at the outset say that the Prime Minister, Mr. Modi, has this great distinction of presiding over 2 programs. This is the second one, and he has deliberately failed
in discharging his constitutional duty of saving life, limb and property of every Indian, especially the Indian Muslims. Sir, when Mr. Modi was hosting Mr. Trump, it's a providence that the Navy band was serenading. What was the Navy band playing, sir? Can you feel the love tonight? When Indians were being butchered and their dead bodies were dumped in a nala, the Navy band was playing, "Can you feel the love tonight?" I don't know what love Mr. Prime Minister felt for whom. Sir, third point which I just heard in the whole debate was that the government is not responsible. May I bring this to you, to the Honorable Home Minister and the Prime Minister. What is second schedule of allocation of business rules 1961? Ministry of Home Affairs, policing law and order in NCT of Delhi, internal security, IB, CRPF, preventive detention, and C, criminal offence against minorities and other vulnerable groups. The government says we didn't have enough forces. तो सभा की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के जवाब तक बढ़ा दी जाए. सर, the government side said we didn't have enough forces. What is Section 39 of the Delhi Police Act 1978? The LG has enough powers to even call the army. Many inquiry commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir. And it has to be called in that way only. Sir, the Constitution of India in its preamble talks about fraternity. But it says fraternity must assure the dignity of the individual. What is my dignity? I want to know from you. Do you have any remorse on your faces? Do you have any embarrassment for what has happened right under your nose? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. Sir, the Constitution talks about fraternity and it says fraternity must show the dignity of the individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, four cylinders have been put inside a masjid and the masjid burned, what is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy... ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.